क्रिकेट में आपने अक्सर ऐसे मोमेंट्स देखे होंगे जहां पर टीम आमने सामने एक दूसरे के आंखों में आंखें डाल कर खेलती है। कई ऐसे मोमेंट्स होंगे कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच उतना ज्यादा सेंसेशनल हो जाता है कि हमारे एक तरीके से एक जंग का मैदान में वो क्रिकेट का मैच जो है वो तब्दील हो जाता है। लेकिन आज मैं आपको इंडिया और पाकिस्तान की कुछ ऐसी फ्रेंडशिप्स के बारे में बताने वाली हूँ जो क्रिकेट हिस्ट्री में बहुत ही ज्यादा फेमस रही है। नमस्कार, मैं हूँ समीक्षा दीक्षित और आपका स्वागत है सत्योदय मीडिया में। देखिए, क्रिकेट का जिक्र जब भी होता है तो क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसको कहा जाता है सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि इमोशन है। हमारे इमोशंस क्रिकेट के साथ जुड़े हुए हैं। इसी के साथ क्रिकेटर्स जब भी अपनी टीम को प्रेजेंट करते हैं तो वो एक चीज़ अलग होती है, लेकिन जब वो दूसरी टीम का सपोर्ट करते हैं या फिर ये ऑफ फील्ड की मैं आपको बात कर रही हूँ या फिर उनकी जो फ्रेंडशिप जेस्चर्स हैं, उनके फोटो जब सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं तो हमें वो भी एक अलग ही खुशी देता है। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है विराट कोहली और मोहम्मद आमिर का। आपने एक वो फोटो होगा जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था जब विराट कोहली अपना बैट मोहम्मद आमिर को गिफ्ट कर रहे थे। ये फोटो सोशल मीडिया सेंसेशन बन गया था और इसी के साथ इस फ्रेंडशिप जेस्चर को बहुत ज़्यादा फैंस ने प्यार भी दिया था। नंबर टू पर है वीरेंद्र सहवाग और सरफराज खान। देखिए, जब हम ऑन फील्ड होते हैं, हम खेल रहे होते हैं, तो उस वक्त एक दूसरे के खिलाफ हम जमकर बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं और एक हमारे जो फैंस हैं क्रिकेट के वो एक दूसरे की टीम को क्रिटिसाइज भी काफ़ी ज़्यादा करते हैं। लेकिन वीरेंद्र सहवाग एक ऐसे ही क्रिटिसिज्म के खिलाफ सरफराज खान के साथ खड़े हुए थे और उन्होंने एक ट्वीट भी किया था। वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट किया था कि क्रिटिसाइजिंग सरफराज फॉर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश इज इनसेन, हिज जॉब इज टू प्ले एंड ही हैज डन ब्रिलियंटली टू टेक पाकिस्तान इन फाइनल्स। देखिए, हिंदी बोलने को लेकर काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया जाता है, इंग्लिश ना बोलने को लेकर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया जाता है। कई आपने पाकिस्तान के ऐसे क्रिकेटर होंगे जो महान क्रिकेटर हैं, महान बल्लेबाज हैं, महान बॉलर्स हैं, अगर वो अच्छी इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, फ्लुएंटली इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, कहीं पर लटक जाते हैं या टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं तो उसको लेकर इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा उनको क्रिटिसाइज किया जाता है। ऐसा मैं नहीं कह रही कि हमारे देश के लोग ऐसा करते हैं, उन्हीं के देश के लोग उनको काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते हैं। और जब ये क्रिटिसिज्म बढ़ा सरफराज खान के खिलाफ तो वीरेंद्र सहवाग ने स्टैंड लिया उनके लिए और ट्विटर पर जाकर ये ट्वीट किया। नंबर थ्री पर, अब देखिए, मेंस क्रिकेट में तो ये फ्रेंडशिप फेमस है लेकिन वुमेंस क्रिकेट में भी ऐसा देखने को मिलता है और इसका जीता जाता एग्जाम्पल है कायनात इम्तियाज और झूलन गोस्वामी। कायनात इम्तियाज ने एक फेसबुक पर पोस्ट डाला था जिसमें वो झूलन गोस्वामी की सराहना कर रही थी और कह रही थी कि उनके अंडरटेकिंग में कायनात इम्तियाज को बॉलिंग करने का मौका मिल रहा है और ये उनके लिए बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है। तो इस तरीके के भी सिर्फ हमको ऐसा नहीं देखने को मिलता है कि लड़ाई झगड़ा चल रहा है, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप चल रहे, बट एक फ्रेंडशिप का प्यारा जिससे भी देखने को मैदान पर मिलता है। इसके बाद है अजहर अली किट। देखिए, अजहर अली किट किस तरीके से MS धोनी, विराट कोहली और युवराज सिंह के साथ टाइम बिताते हुए नज़र आए थे, उनका एक फ़ोटो भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था जिसको लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया था और उन्होंने बाकायदा सोशल मीडिया पर ये पोस्ट भी डाला था विराट को और धोनी को और युवराज सिंह को टैग करके। तो आपको ये जेस्चर्स कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ और भी वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।